आज हम यहाँ पे बदर मुनीर चौधरी साहब के मुनक्किद करदा प्रोग्राम में शरीक हैं, जो कि जावेद इकबाल साहब के एजाज़ में मुनक्किद किया गया। जावेद इकबाल साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। पाकिस्तान की अगर जब भी जिक्र आएगा कार्टून का, तो उसके पाइनियर भी हैं और सबसे ज़्यादा काम करने वाले आर्टिस्ट हैं। 52 साल के तवील अरसे में 22,000 से ज़्यादा कार्टून उनके पब्लिश हो चुके हैं। इस तरह की एक्टिविटीज़ में हमारी कंपनीज ग्रेनिश नेचुरल हेल्थ और डर्मनिश हमेशा पेश रहते हैं, क्योंकि ये हमारा तहजीबी वरसा है और इस आइंदा नस्लों तक मुंतकिल करने की कोशिश हमारा बुनियादी फ़र्ज़ है। ग्रेनिश एक ऐसी कंपनी है जिसमें बड़ी तादाद पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स की है, जिनको बाइज़्ज़त रोज़गार उनकी फील्ड में मिला हुआ है, और कैनेडा की हेल्थ केयर मार्केट में एक अपनी अलग शनाख्त हमने बनाई है अपने लोगों की मेहनत से, अपनी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी की बुनियाद पर, और ये हम सबके लिए एक बड़ी खुशाइन बात है। तो जब जब भी कोई कम्युनिटी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं तो हम उसमें कोशिश करते हैं कि अपना हिस्सा डालें। तो आज का प्रोग्राम उसी सिलसिले की एक कड़ी है, और इंशाल्लाह जब जब इस किस्म का कोई मौका होगा हम जिस तरह भी मुमकिन हुआ ज़रूर शरीक हुआ करेंगे। लोगों के लिए एक मैसेज ये है कि जैसे हम टीवी आर्टिस्ट, हम हमारे गुलूकार फ़नकार उनकी पज़ीराई के लिए जमा होते हैं, जो बहुत अच्छी बात है, उनका अपना एक मकाम है माशरे में, मगर जो हमारे माशरे का इंटेलेक्ट है जिसमें लिखने पढ़ने वाले लोग हैं जिनमें आर्टिस्ट हैं, उन लोगों की पज़ीराई भी उसी तरह बढ़ चढ़ के की जानी चाहिए, क्योंकि हमें किसी भी सेहतमंद माशरे के लिए सिर्फ गुलूकार फ़नकार आर्टिस्ट एक्टर ये नहीं चाहिए होते। उसके साथ लिखने पढ़ने वाले, चाहे वो नसर निगार हों, चाहे वो शायर हों, चाहे वो कार्टूनिस्ट हों जैसे जावेद इकबाल साहब हैं, उन सब का एक बहुत बड़ा किरदार होता है किसी भी माशरे की तश्कील में। तो तमाम हवालों से हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने लोगों को बढ़ावा दें और उनकी हौसला अफजाई करें, और जब भी ऐसा कोई मौका हो GTA में तो हमें सबको वहाँ जमा होना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम, आरिफ शेख आपसे मुखातिब हूँ। देखें, कैनेडा वन टेलीविज़न के बदर मुनीर चौधरी साहब ने जावेद इकबाल साहब को बुलाया। 52 साल से 52 ईयर से आप जो है वो कार्टून बना रहे हैं, और एक आपने जिद्दत पैदा की है इस फ़न के अंदर। 22,000 कार्टून, 52 साल, 8 किताबें, ये ऐसे लोग हैं जिनकी हमें पज़राई करनी चाहिए। यकीनन पाकिस्तान के कल्चर से मुंसलिक लोग, आर्टिस्ट हैं, सिंगर्स हैं, वो आते हैं, हम उन्हें बेतहाशा अप्रिशिएट करते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान के इस फ़न को ज़िंदा किए हुए हैं, उनको भी साथ लेके चला जाए। ये प्रोग्राम ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन ये कामयाब उस वक्त होंगे जब इसमें लोग बड़ी तादाद में पार्टिसिपेट करेंगे। बदर मुनीर चौधरी ने अपने हिस्से का काम किया, वो एक आर्टिस्ट को लेकर भी आ गए, उन्होंने ये प्रोग्राम भी अरेंज कर दिया, लेकिन ये प्रोग्राम उस वक्त और कामयाब होता या होगा जब इसमें बड़ी तादाद में लोग पहुँचेंगे। आप लोगों को आइंदा जब इस तरह के प्रोग्राम हों तो भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर आपका ताल्लुक बिज़नेस कम्युनिटी से है तो फिर स्पॉन्सर कीजिए, अगर आप जनरल कम्युनिटी हैं तो विज़िट कीजिए। कोई टिकट नहीं, कोई पार्किंग नहीं, सिर्फ आपने आना है और वतन की खुशबू से जो लोग यहाँ पहुँचे हैं उन्हें अप्रिशिएट करना है। देखें, अब ये बड़ी खूबसूरत बात है, अभी हम अपने भाई से बात कर रहे थे कि पुराने ज़माने में ये कार्टून या अखबार, ये किताबें, रिसाले, डाइजेस्ट, ये हमारे कल्चर का हिस्सा था। अब डिजिटल दौर है, टेलीफोन हमारे हाथ में है, बच्चों के पास हर इन्फॉर्मेशन जो है वो फ़ोन पे पहुंच रही है। ये एक बेहतरीन मौका है आपके लिए कि अपने बच्चों को बताएं कि ये भी हमारा कल्चर है, यहाँ हमने इस तरह से ज़िंदगी गुजारी है। देखिए, अभी मैंने अपना स्केच बनवाया उनके साथ, अगर आप यहाँ पर आए होते तो आपका अभी इसी तरह से स्केच बनता। ये आप अपने बच्चों को बताएं कि जनाब ये वो हमारा कल्चर है जिसको देख देख के हम जवान हुए हैं, जिसके साथ अब हम बूढ़े होते चले जा रहे हैं। पाँच दहाइयों में तीन नस्लों को इन्होंने सर्व किया है। अपने बच्चों को लाइए, उन्हें दिखाएं कि ये एक फ़न है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से, और एक इतना बड़ा आर्टिस्ट जो है वो आज हमारे दरमियान मौजूद है। मैं समझता हूँ कि मेरे जैसे वो लोग जो आज यहाँ मौजूद हैं, उनके लिए एज़ाज़ की बात है कि आज हम जावेद इकबाल के साथ आज इस इवेंट को और इस वेन्यू को शेयर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त अली डोगर। आपको पता है कि आज हम मेपल बैंक्वेट हॉल में इकट्ठे हैं और पाकिस्तान के सबसे बड़े कार्टूनिस्ट जावेद इकबाल साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं, उनको होस्ट कर रहे हैं बदर मुनीर चौधरी साहब, जो कि कैनेडा वन के CEO ओनर हैं और एक बड़े जानी पहचानी शख्सियत हैं हमारे शहर की, रियल्टर भी हैं, वेरी ट्रस्टेड नेम ऑफ़ द कम्युनिटी। तो अब आज उनको हमने यहाँ पे सबने वेलकम किया है, उनकी पज़ीराई की है, लोगों ने उनसे अपने स्केचेस बनवाए हैं और लोगों ने उनके बने हुए कार्टून्स को ख़रीदा भी है।
मतलब किसी की फ़न को क्या ख़रीदा जा सकता है, मगर उसका कोई ना कोई हदिया बहरहाल उनको दिया गया है। एक वंडरफुल एफर्ट है मैं समझता हूँ। गाने बजाने के प्रोग्राम तो हमारे शहर में बहुत सारे होते रहते हैं, मगर इस तरह की काविशें जिसमें लोगों के फ़न जो है उसको पेश किया जाए और उस फ़न की पजीराई की जाए, उसको फिर अपने यहाँ कैनेडा में बुला कर उनको बताया जाए कि सारे लोग कैनेडा उनसे कितना प्यार करते हैं, तो मैं समझता हूँ दिस इज़ ए ग्रेट वंडरफुल एफर्ट बाई नन अदर दैन बदर मनीर चौधरी साहब। थैंक यू फॉर डूइंग ऑल दिस व्हाट यू आर डूइंग फॉर द कम्युनिटी। मेरा नाम तौसीफ सैयद है और उर्दू पोस्ट न्यूज़पेपर हम निकालते हैं। ये आज का प्रोग्राम जावेद इकबाल साहब के लिए अरेंज किया गया, वो एक लिविंग लेजेंड हमारी पाकिस्तान के और आजकल कनाडा के दौरे पर हैं। बदर साहब ने उनके लिए एक प्रोग्राम का अरेंज किया है। उनके कार्टून दुनिया भर में उनकी एक पहचान है, एक मखसूस उनका अंदाज है और गुज़िश्ता 52 बरस से वो अपनी पहचान बनाए हुए हैं। उन्होंने बताया कि वो 21,000 कार्टून अब तक बना चुके हैं और कोई टॉपिक कोई मौजू ऐसा नहीं है पाकिस्तान का या इंटरनेशनल जिस पर उन्होंने कार्टून ना बनाया हो। उन्होंने आज यहाँ पर अपने चाहने वालों को ऑटोग्राफ भी दिए, उनके कार्टून की नुमाइश भी हुई, उन्होंने यहाँ पे लोगों के स्केचेस भी बनाए और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग उन्हें बड़ा प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं। बड़ी दूर से लोग उनसे मिलने आए आज के प्रोग्राम में। कल्चरल इवेंट का भी टच था, अमानत अली ने परफॉर्म किया, पाकिस्तान के हाई कमिश्नर यहाँ पर थे और कौंसलेट के लोग थे। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो जावेद इकबाल साहब से सिर्फ मिलने आए थे, उनसे ऑटोग्राफ लेने आए थे। कुछ बच्चियां ऐसी जो आर्टिस्ट हैं वो उनका फ़न देखने और उनसे मिलने और उनसे ऑटोग्राफ लेने आई हैं। ये प्रोग्राम एक यादगार प्रोग्राम है, बिल्कुल डिफरेंट एक आइडिया है। इसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ लोग आज इस प्रोग्राम को देखने आए और बदर साहब ने ये प्रोग्राम का आइडिया दिया था। इसमें एक बड़ी खूबी ये थी कि इसमें हर उम्र के लोग आए, छोटे बड़े और ख़वातीन, नौजवान, बुज़ुर्ग। और जावेद इकबाल साहब चूँकि एक अरसे से एक बड़े इदारे से जंग से मुंसलिक हैं और निसफ सेंचुरी उन्होंने मुकम्मल की और यहाँ पर उन्हें कम्युनिटी ने बड़ा सराहा, बड़ा पज़ीराई दी, उन्होंने इसका शुक्रिया अदा किया। मकामी सतह पर इस तरह के प्रोग्राम कम्युनिटी को इकट्ठा करने का सबब बनते हैं और हम मुबारकबाद देते हैं इस तरह के प्रोग्राम का और उम्मीद करते हैं कि ऐसे प्रोग्राम जिसमें लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, कम्युनिटी को और कल्चर को प्रमोट करें, लोग इसमें जोग दर्दो शिरकत करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शफीक राजवे है, मैं रियल्टर हूँ यहाँ मिसागा जीटीए और ब्रैम्पटन में। मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ आके। जावेद इकबाल साहब का कार्टून बदर मनीर चौधरी साहब ने आज जो शो अरेंज किया है उसमें जो जावेद इकबाल साहब कार्टूनिस्ट हैं पाकिस्तान के बड़े वेल नोन, हम बचपन में स्कूल जाया करते थे, उसे मार्शल का दौर था, जावेद का मार्शल था, तो हम इनके कार्टून्स वगैरह उस वक्त हम देखते थे, बड़े हैरान होते थे कि क्या कि उस वक्त भी ये कितने वोकल थे। तो हर यानी कि डेमोक्रेसी को सेव कर किया इन्होंने अपने कार्टून्स के ज़रिए और जो पाकिस्तान के बड़े मिसाइल थे उनको उन्होंने बताया अपने कार्टून्स के ज़रिए। और बहुत अच्छा लगा कि यहाँ आर्ट का एक एग्जीबिशन है और यहाँ मौजूद है। और थैंक यू टैग टीवी का कि जिन्होंने हमें मौका दिया, हम अपना एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने व्यूज़।